इसके साथ कुछ अलाइड इक्विपमेंट जो है वो बरामद किया है, और इससे ये मालूम चलता है कि एक मेजर ट्रेजेडी को अवॉइड किया गया है और कठुआ पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए ऐसा है कि अभी तो जैसे आप सब देखते हैं कि हमारा बम डिस्पोजल स्क्वाड उसको फॉर्मली चेक कर रहा है, लेकिन MFSI जो हमने चेक किया है, जो हमारा बैग था जिसमें वो पैकिंग थी, और उसमें 3 IEDs हैं और 3 स्टिकी बम थे। सर उधमपुर में जो घटना हुई थी, क्या इसके तार कुछ घटना के साथ जोड़ के देख सकते हैं? देखिए ऐसा है कि ये तो एक इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि इसमें उधमपुर के ब्लास्ट के साथ क्या लिंक है कि क्या नहीं है उसको देखा जाएगा, और कुछ कुछ कहीं कहीं पे मिसिंग लिंक्स में उसका भी जिक्र आता है, बट इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। बट ये है कि दोनों चीज़ों की पर्सपेक्टिव में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हमारी टीम जो है उसमें लगी हुई है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो टेक्निकल लेवल पे एनालिसिस किया जा रहा है, और आने वाले दिनों में जो जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी और उसमें कोई और चीज़ें सामने आएंगी तो वो आपके साथ शेयर की जाएगी। किस तरह से इसकी ट्रैवल किया गया, क्या ड्रोन ड्रॉपिंग थी या फिर? देखिए ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें तो अभी आपके साथ शेयर करना ठीक नहीं होगा, इट्स टू अर्ली, इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल स्टेज में है, और इतना कह सकते हैं कि ये फरीद नाम का जो जैश मोहम्मद का एक टेररिस्ट है जो पाकिस्तान में है, उसके साथ कॉन्स्टेंट एक सोशल मीडिया ऐप के थ्रू कॉन्टैक्ट में था, और जो मटेरियल है, जो पैकिंग है, वो ऑब्वियसली ड्रोन के थ्रू ही आई है, और वो कहाँ आई है, कैसे आई है, हाउ ही हैज गॉट दैट कंसाइनमेंट, वो एक आगे की इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। बाकी तो कठुआ पुलिस ने गिरफ्तार किया। बड़ा फैक्ट है ड्रोन ड्रॉपिंग, क्योंकि ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि इस चीज़ को रोका जा सके, और आए दिन आईबी के नजदीक हम ड्रोन, ऐसा है कि ड्रोन जो है एक नया चैलेंज है, और पिछले कुछ सालों में ये हर एक लेवल पे, हर एक जगह पे बॉर्डर के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेट भी है, और इसके खिलाफ अलग अलग फोर्सेज ने अपने अपने लेवल में बॉर्डर ग्रिड में काम भी कर रही हैं और इसको रोकने की भी कोशिश की जा रही है। जाकिर को कठुआ से गिरफ्तार भी जो है बॉर्डर लंग एरियाज में पड़ी थी, क्या कुछ तार उसके साथ जुड़ते नजर आए, क्योंकि एंटी टेरर एक्टिविटी को लेकर भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो जो इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी आगे और नई चीज़ें अगर सामने आएंगी तो वो शेयर की जाएगी। जाकिर को कठुआ से गिरफ्तार किया, क्या कठुआ में कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में था? इस रिकवरी के बाद इतना तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कठुआ में या आसपास में जम्मू कश्मीर यूटी में एक टेरर एक्टिविटी को अवॉइड किया गया है, और कठुआ पुलिस और बाकी जो जितने भी हमारे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनकी मदद से एक ट्रेजेडी को अवॉइड किया गया है। अभी तक की पुलिस में क्या सामने आया, क्या पर्टिकुलर कठुआ में कोई इस तरह की साजिश को अंजाम देने की शिकायत में था? देखिए ऐसा है कि ये तो अभी कहना मुश्किल है कि इनका प्लानिंग क्या था, लेकिन जो मटीरियल या जो सामान मिला है ये ऑब्वियसली टेरर एक्टिविटी में यूज होता है और उसी के लिए था। आगे की प्लानिंग क्या थी और उसको क्या करने का इरादा था, वो जो जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो ये चीज़ें सामने। सर कठुआ से ऐसे मामले का सामने आना क्या देखते हैं पुलिस के लिए, और कितनी बड़ी चैलेंज हो सकती है, क्योंकि काफ़ी सारा क्षेत्र जो है वो आईबी के साथ जुड़ा है? मुझे लगता है कि हम सब के लिए ये चैलेंज है, और कठुआ के जितने भी बॉर्डर एरिया के निवासी हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनको हमेशा से ही ये सोशल मीडिया के थ्रू या थाना दिवस में या पुलिस पब्लिक मीटिंग्स में ये बताते हैं कि कहीं पे भी आपको कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे, चाहे वो ड्रोन एक्टिविटी है, चाहे सस्पिशियस गाड़ी है, चाहे सस्पिशियस आदमी है, उसके लिए तुरंत वो पुलिस कंट्रोल रूम या कंसर्न थाने में या चौकी में वो कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके मोबाइल नंबर्स भी ऑलरेडी शेयर किए जा चुके हैं, और लोगों की नियरेस्ट जो पुलिस चौकी है या बॉर्डर पुलिस पोस्ट है वहाँ पर भी लोगों को ये बताया गया कि आप फलां नंबर पे फलां जगह पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और इमीडिएट रिस्पांस टीम जो है वो तैयार है, वो की जाएगी। जाकिर का पुराना कार्ड भी इस तरह से रहा है, तो क्या इसका कोई और मददगार भी कठुआ में है? देखिए ऐसा है कि जाकिर तो एक कन्विक्टेड मुजरिम है जो कि 14 साल की सज़ा करके 2019 में ये रिलीज हुआ था, और कठुआ में इसके क्या कॉन्टैक्ट्स हैं या आगे बाकी जगह पे कितने हैं, वैली में कितने हैं, वो इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ेगी डिटेल में तो पता चलेगा। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या आया सर, कितनी कंसाइनमेंट ये ले चुका है सर जाकिर? अभी तो बताना मुश्किल है, अभी तो फिलहाल जो रिकवरीज हैं उन्हीं के बारे में बता सकते हैं। बिलावर में LAT के काफ़ी मिलिटेंट एक्टिव थे पहले, अभी काफ़ी ऐसे पीसफुल था, और उनके कुछ एसोसिएट जो हैं पाकिस्तान में भी है, तो क्या उनका डर? ऐसा है कि बॉर्डर पार से जितने भी हमारे यहाँ पे पुराने मिलिटेंट्स हैं, टेररिस्ट हैं, जो सरेंडर्ड हैं, जो कन्विक्टेड हैं, उनको एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो उधमपुर में असलम का केस हो या कठुआ में जाकिर का केस हो। तो ये तो मानना पड़ेगा कि जो एक्स मिलिटेंट्स हैं, कुछ सरेंडर्ड हैं, कुछ कैप्चर्ड हैं, कुछ कन्विक्टेड हैं,
उनको दोबारा से एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस उनके ऊपर फिर अपनी पैनी नजर रखने की जरूरत है। देखिए ऐसा है कि पुलिस हर तरह के लोगों पे नज़र रख रही है, चाहे वो ODWs हों, चाहे वो इस तरह के मिलिटेंट्स हों, टेररिस्ट हों, उन पे कड़ी नज़र रखी। सर बिलावल जैसे क्षेत्र से ऐसी घटना का सामने आना काफ़ी सारा है, जो पहाड़ी क्षेत्र है वो डेंस फॉरेस्ट है, क्या कुछ मुस्तैदी में भी हिफाजत जाएगा? पुलिस का जितना भी डिप्लॉयमेंट्स है, चाहे वो STF की पोस्ट हैं, पेट्रोलिंग हैं, LRPs हैं, चाहे आर्मी के साथ है, चाहे CRPF के साथ है, वो रेगुलरली कंडक्ट की जाती है। और इन्हीं चीज़ों का नतीजा है कि पिछले दिनों से ये काफ़ी सारा काम जो है हो रहा है, चाहे बाकी एडजाइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में हो या कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। सर श्रीनगर में नॉर्मलसी की बात की जा रही है, तो अब कठुआ का जम्मू संभाग की तरफ ऐसी घटना आ रही है, तो क्या देखते हैं कितना बड़ा चैलेंज रहेगा और कितना सख्ती से जो है वो काम कर रहे हैं? मैं कठुआ पुलिस की बात करूँगा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में फेस्टिवल सीजन है, तो हमारा चाहे बॉर्डर ग्रिड हो, चाहे नेशनल हाईवे का ग्रिड हो, चाहे रूरल एरिया का ग्रिड हो, हम हर एक तरह की सिक्योरिटी और ग्रिड पे काम करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि आने वाले दिनों में जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो अच्छे से हो जाएंगे। थैंक यू।